अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद मंदिर का निर्माण तेजी के साथ किया जा रहा है। बीते 22 जनवरी को बालकराम अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। बालकराम के विराजमान होने के साथ ही संपूर्ण मंदिर का निर्माण भी किया जा रहा है। संपूर्ण मंदिर और मंदिर परिसर में संपूर्ण आवश्यकताओं को दिसंबर 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट निर्माण को लेकर अब चिंतित दिख रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट के भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि मंदिर का निर्माण अपने लक्ष्य से 2 महीने पीछे चल रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने बताया कि अगर 200 से 300 श्रमिक मंदिर निर्माण में जल्द से जल्द नहीं जुड़े तो हम दिसंबर तक इस कार्य को नहीं कर पाएंगे। हालांकि आपको बताते चलें, अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण तेजी के साथ तो किया ही जा रहा है, लेकिन भारी बारिश और भीषण गर्मी की वजह से राम मंदिर निर्माण में लगे श्रमिक छुट्टी पर चले गए, जिसके बाद मंदिर निर्माण में लगी कार्यदायी संस्था लार्सन टुब्रो को श्रमिक को बुलाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा, जिसके बाद अब राम मंदिर ट्रस्ट भी चिंतित दिख रहा है। समीक्षा होती है मंदिर निर्माण की, कल भी समीक्षा है, आज पुनः समीक्षा की जानी है। अभी पूरा समीक्षा का कार्यक्रम नहीं पूरा हुआ, लेकिन प्रयास अभी बहुत आवश्यक है। अगर दिसंबर 2024 का लक्ष्य है तो सबसे बड़ी चुनौती शिखर के निर्माण की है, क्योंकि शिखर का निर्माण तभी हो सकता है जब द्वितीय तल का कार्य पूरा हो जाए, द्वितीय तल के जो डोम है वो पूर्ण हो जाए। तो मैं अनुमानतः यह समझता हूँ कि आज के समय अगर आज की गति से निर्माण किया गया तो 2 महीने का विलंब होगा। लार्सन टुब्रो को निर्देश दिया गया है कि वह लेबर में वृद्धि कराएं, अपने जो उनके सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनकी संख्या बढ़ाएं, केवल 1 या 2 सब कॉन्ट्रैक्टर पर निर्भर ना रहें, और अन्य तकनीकी जो बातें थीं उस पर भी कल निर्णय लिया गया है। हम प्रयासरत हैं, लेकिन निश्चित रूप से निर्माण की गति जो अपेक्षित है वह पिछले 3 माह में कम हो गई। कुछ जो जिस प्रकार का आप भी जानते हैं वेदर, मौसम का हाल था, गर्मी थी, तो श्रमिक भी यहाँ से चले गए, उनको दोबारा लाने में लार्सन टुब्रो को परेशानी हो रही है, सफलता नहीं मिल रही है। लेकिन हम यह नहीं कहेंगे कि दिसंबर तक पूर्ण होना पूर्ण जो है वह बिल्कुल असंभव है, ऐसा नहीं कहेंगे। यह अवश्य है कि जो भी गति दी जाएगी उसमें गुणवत्ता में समझौता नहीं किया जाएगा। श्रमिकों की संख्या में बहुत बड़ी कमी है, और यदि 200 से 250 श्रमिक और नहीं जोड़े गए तो निश्चित हम दिसंबर में कार्य पूर्ण नहीं कर पाएंगे। वर्तमान में जो प्रगति है उसमें 2 महीने हम पीछे हैं।